हेलो यूपीएससी पेरेंट्स, देखिए आज इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिविल सेवा परीक्षा का 2021 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 1 से लेकर 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 13 में भी देखिए हर क्वेश्चन की तरह ही इसमें 3 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है। तो हम पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। विथ रिफरेंस टू इंडिया, भारत के रिफरेंस में कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को देखें, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना वो डीमैट अकाउंट होता है, पता है क्या ये डीमैट अकाउंट वगैरह ना जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ करते हैं ना उनके लिए होता है। ठीक है, चलो, डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। तो देखिए, जो डीमैट अकाउंट के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रेजरी बिल में और भारत सरकार की डेप्ट बॉन्ड में जो प्राइमरी मार्केट होते हैं क्या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि द नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है कि द सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये तीन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसे भी इसका नॉलेज होगा वो फट से आंसर दे देगा। लेकिन इसमें फाइंड आउट हमें यह करना है कि इसमें जो है गलत कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो, पहला तो सही है, रिटेल इन्वेस्टमेंट जो है अपने डीमेट अकाउंट से ट्रेजरी बिल में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट बॉन्ड में वो खोला ही डीमेट अकाउंट इसलिए जाता है और रिटेलर वगैरह जो भी है आम जनता हम और आप भी जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है RBI का। लेकिन जो ये तीसरा स्टेटमेंट है ना, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय द RBI एंड द बॉम्बे स्टॉक, ये नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो है ये सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, की देखरेख में ये चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है ए वन ओनली, बी वन एंड टू, सी थ्री एंड डी टू एंड थ्री। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू इज द राइट, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चलिए, विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, देखिए वाटर क्रेडिट से संबंधित है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें भी तीन स्टेटमेंट है, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटाइजेशन सेक्टर। क्या यह माइक्रो फाइनेंस टूल है जो कि वाटर और सैनिटाइजेशन सेक्टर में काम करता है। दूसरा ऑप्शन है कि इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। तीसरा ऑप्शन है कि इट एम टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। तो ये तीन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, तीन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में वन एंड टू, ऑप्शन बी टू एंड थ्री, ऑप्शन सी वन एंड थ्री एंड ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री। तो 14 का जो राइट आंसर है वह वन एंड थ्री है। ठीक है, वाटर क्रेडिट ये जो है ना जल मंत्रालय भारत सरकार की यह योजना है, यह कोई ग्लोबल इनिशिएटिव नहीं है, याद रखना। ठीक है, वाटर क्रेडिट की जो अवधारणा है वो भारत सरकार की अवधारणा, ये नेशनल इनिशिएटिव ही है, ये कोई ग्लोबल इनिशिएटिव मुख्यतः नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 14 का वो होगा सी वन एंड थ्री। ठीक है, वन एंड थ्री इज द राइट कह सकते स्टेटमेंट एंड ऑप्शन जो है सी होगा। ठीक है, वन एंड थ्री, 14 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 15। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। भारत में जो केंद्रीय बैंक है वह लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है कि आपको अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो वो वहां जो है मिल जाएगा। यूजुअली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आखिर किसके लिए यह रेफर किया गया है। तो इसमें भी तीन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर वन पढ़ते हैं, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्या यह जो बड़े बड़े ट्रेड व्यापार है और इंडस्ट्री बॉडी है उसको लेंड करती है। वेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेस, जब वो किसी अन्य सोर्स से वो बोरो नहीं कर पाती, मतलब कर्ज नहीं ले पाती, तब वो जो है इंडस्ट्री वगैरह सेंट्रल बैंक के पास जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्प्रोरी क्राइसिस। ये जो बैंक देखते हो, बैंक कभी कभी जैसे घाटे में चली जाती है या खतरे के निशान में या उसका एनपीए बढ़ जाता है, तो जब बैंक ही खतरे में चला जाता है तो क्या वह उसके लिए है। और तीसरा जो है लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजट डिफिसिट, क्या जो गवर्नमेंट का बजट डिफिसिट हो जाता है क्या यह उसके लिए है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट यह जो स्टेटमेंट है या फिर यह जो कह सकते हो ना कि कोटेशन कहो, यह किसके लिए यूज हो रहा है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये तीन स्टेटमेंट के बाद फिर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ए में है 1 and 2, बी में है 2, सी में है 2 and 3 एंड डी में है 3 ओनली, क्वेश्चन नंबर 15। तो राइट आंसर जो होगा पता है क्या आपको होगा, राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन बी। कहने का मतलब 2, मतलब प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस। देखोगे कई बार जो है बैंक का एनपीए वगैरह बढ़ जाता है, उस परिस्थिति में जो है आरबीआई मुख्यतः या फिर सरकार जो है कह सकते हो ना कि एक प्रकार से उस बैंक को बचाए रखने के लिए। देखो बैंक इसलिए जरूरी है ना क्योंकि बैंक बची रहेगी तो भारत की, क्योंकि इसके कह सकते हैं लोगों का मनोबल, आखिर लोग जो है ना कहते हैं घर में अरे पैसा चोरी हो जाएगा बैंक में डिपॉजिट कर दो, कि नहीं कुछ होगा तो बैंक में पैसा सेफ रहेगा। बताइए बैंकें अगर डूबने लगे तो लोगों की स्थिति कितनी मतलब बदतर हो जाएगी। और दूसरी बात है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बैंक से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन और क्रेडिट जो होता है बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। तो बैंक क्राइसिस से डील करने के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो सेंट्रल बैंक मतलब कह सकते हो आरबीआई फिर उसको जाके बचाती है, सेव करती है, सरकार जो है इस पर फंड वगैरह देखते हो बैंक को रिविटलाइज करने के लिए या बहुत वगैरह बार जो है सरकार जो है फंड प्रोवाइड कराती है। तो राइट स्टेटमेंट इज 2 ओनली एंड द ऑप्शन इज बी ओनली। ठीक है तो ये हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 16, आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब समझ रहे हैं, आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्टेशन। देखो ये है आर टू साइड मतलब आप समझ गए, आर थ्री आप लोग जानते हो ना, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे रिड्यूस आर थ्री या थ्री आर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम बताया कि आर टू फॉर्मूला जो है या फिर कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है वो किसके लिए जो है कहा गया है, कि किस, यहाँ चार स्टेटमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसके लिए जो है प्रमोट किया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। क्या यह इलेक्ट्रॉनिक या रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए ऐसा कहा जा रहा है। बी में ऑप्शन है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहता है अंडर रामसार कन्वेंशन, क्या यह उसके लिए है। सी में है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप इन दिल्ली डिग्रेडेड लैंड, क्या हुआ है इसके लिए है। एंड डी में है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या यह उसके लिए है। तो 16 में देखो ना, यह कह सकते हो ना कि आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है के लिए जो राइट आंसर होगा 16 का वह होगा ए। अभी रिसेंटली जो है ना पिछले एक दो साल हो रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2021 का है, भारत सरकार के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक
वेस्टेज को जो है फिर से रिसाइकल और रिड्यूस और यूज करने के लिए जो है ठीक है यह प्रयास किए जा रहे थे कि किस प्रकार से अगर मोबाइल वगैरह खराब हो जाता है तो मतलब कंपनियां जो है उसे दोबारा जो है उसे कह सकते हो ना कि वापस लेके और जो ऐसे ही इधर उधर फेंक मतलब फेंक दिया जाता है तो उसको जो है एक प्रकार से फिर से रिकलेक्ट करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ताकि इसे प्रदूषण पर नकारात्मक कह सकते हो वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और इलेक्ट्रॉनिक जो है गुड्स वगैरह होते हैं सामान वगैरह उसकी रिसाइकलिंग हो सके, उसकी एक प्रॉपर व्यवस्था हो सके रिसाइकलिंग, तो यही बातें यहाँ कही गई है। तो ए विल बी द राइट आंसर, 16 का ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम अगला क्वेश्चन अगली वीडियो